नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम इस कक्षा में विचार कर रहे थे अनेकार्थी शब्दों पर। हिंदी व्याकरण में और हिंदी भाषा में अनेकार्थी शब्दों से संबंधित जो प्रकरण है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वह आम बोलचाल के साथ साथ जो साहित्यिक हिंदी भाषा है, जो साहित्यिक भाषा है या जिस भाषा का प्रयोग कवि और साहित्यकार करते हैं, उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसे शब्दों का महत्व और भी बढ़ जाता है। और साहित्यिक भाषा ही धीरे धीरे जो आम आदमी है वह साहित्य का अध्ययन करता है और उसे ज्ञान प्राप्त करता है। तो जो साहित्यिक भाषा है उसका महत्व भी कम नहीं है आम आदमी के जीवन या आम आदमी की भाषा को वो प्रभावित करती है। इसलिए अनेकार्थी शब्दों का हिंदी में विशिष्ट महत्व है और हिंदी व्याकरण के एक प्रकरण के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। अनेकार्थी शब्दों से तात्पर्य हमने पूर्व के वीडियो में समझा दिया था कि एक ही शब्द के का अर्थ एक से अधिक होना, एक शब्द अलग अलग अर्थों में अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त होता है। जैसे क्रिया शब्द है, अब क्रिया का अर्थ कार्य करना भी होता है और क्रिया व्यापार भी होता है, उपाय भी होता है, व्यवहार भी होता है और श्राद्ध भी होता है। केश शब्द का अर्थ बाल भी होता है, विष्णु भी होता है, विश्व भी होता है और किरण भी होता है। उसी तरह से गण शब्द का अर्थ समूह भी होता है, रुद्र के अनुचर भी होता है, सेना छंद शास्त्र के आठ गण। उसी तरह से घना या जगत शब्द है, जलधर शब्द है, बादल भी होता है और समुद्र भी होता है। जलज है, उसका अर्थ कमल भी होता है, मोती भी होता है, मछली भी होता है, चंद्रमा, शैवाल और शंख आदि। तो इन अर्थों की अर्थों से संबंधित प्रसंग में हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह कि एक से अधिक अर्थ इन शब्दों का होता है तथा उनके भिन्न भिन्न प्रयोगों से भिन्न भिन्न अर्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। हिंदी के जो महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द हैं उनको हम यहाँ पर ले रहे हैं। कुछ शब्दों पर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। जो शेष शब्द हैं उनको हम इस चर्चा में शामिल करेंगे। तो देखिए, जाल, जाल शब्द का क्या क्या अर्थ है? माया, छल, जाला, जानवरों को पकड़ने हेतु रस्सी की बुनावट, वो जाल कहलाती है। वो जीवन, जीवन का अर्थ है प्राण, आजीविका, जल, पुत्र और गंगा। तत्व, तत्व शब्द का अर्थ है शक्ति, सार, धर्म, परिणाम, उद्देश्य और सूक्ष्म ज्ञान। तत्व शब्द का जो अर्थ है सत्य, सार, धर्म, परिणाम, उद्देश्य और सूक्ष्म ज्ञान। तंत्र का है सिद्धांत, प्रबंध, शासन, उपाय, औषधि और खजाना। ये इतने सारे अर्थ तंत्र शब्द के हैं। यानी कि प्रबंध शब्द के संदर्भ में भी तंत्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सिद्धांत शब्द के संदर्भ में भी तंत्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं,
शासन तंत्र के संदर्भ में, शासन के संदर्भ में तंत्र शब्द का प्रयोग करते हैं, उपाय के संदर्भ में तंत्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं, औषधि के संदर्भ में, खजाने के संदर्भ में तंत्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तम, तम का अंधकार, तमाल एक वृक्ष विशेष है, पाप, राहु, अज्ञान और तमोगुण, जैसे सतगुण, रजगुण, तमगुण, तो इनको संक्षेप में हम क्या कहते हैं, सत, रज और तम। तो तम का अर्थ तमोगुण भी होता है, तम का अर्थ अंधकार, तमाल वृक्ष, तमाल वृक्ष, पाप, राहु, अज्ञान और तमोगुण। और तल का अर्थ है तला, खंड, नीचे, वन, हथेली, स्वभाव, महादेव। तारा नक्षत्र, आँख की पुतली, बलि की पत्नी, बृहस्पति की पत्नी। तारा शब्द का जो अर्थ है, एक तो नक्षत्र के लिए किया जाता है, और जो आँख की जो पुतली होती है उसके लिए भी तारा शब्द का इस्तेमाल, उसका अर्थ भी तारा होता है। तारा का अर्थ होता है बलि की पत्नी और बृहस्पति की पत्नी। और ताल, देखिए ताल का अर्थ तालाब से है, जलाशय से है, संगीत की ताल से है और ताड़ वृक्ष से है। आगे देखिए अनेकार्थी शब्द हैं, तीर, तीर का जो अर्थ है बाण, किनारा, सरोवर और निकट। ये शब्द तीर के इतने सारे अर्थ हैं। फिर है टीका, टीका का अर्थ है तिलक, अभिषेक, मस्तक का आभूषण, टिप्पणी और आलोचना। इतने सारे शब्दों में हम टीका शब्द का अर्थ व्यक्त कर सकते हैं, किया गया है, यानी कि टीका, तिलक, अभिषेक, मस्तक का आभूषण, टिप्पणी, आलोचना। दक्षिण, दक्षिण का अर्थ है अनुकूल, दक्षिण दिशा, उदर, चतुर और सरल। देखिए दक्षिण का क्या क्या अर्थ है, अनुकूल, दक्षिण दिशा, उदार, चतुर और सरल। और दंड का है डंडा, सजा, 60 पल की समयावधि, सेना और यमराज। फिर है द्विज, द्विज ब्राह्मण है, पक्षी है, दांत है, चंद्रमा है और द्विजन्मा है। क्या क्या द्विज के क्या क्या अर्थ है, ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं। ब्राह्मण को द्विज क्यों कहते हैं, क्योंकि वह जब यज्ञोपवीत धारण करता है तो वह दूसरा जन्म माना जाता है। और पक्षी जब अंडे से निकलता है तो वह उसका दूसरा जन्म होता है, इसलिए पक्षी को भी द्विज कहते हैं, दो बार जन्म लेने वाला। दांत को भी द्विज कहा जाता है, दांत भी एक बार टूटता है और फिर दूसरा उगता है। चंद्रमा भी अपनी कलाओं के माध्यम से लुप्त हो जाता है और फिर धीरे धीरे वापस बनता है। द्विजन्मा अर्थात दो बार जन्म लेना और लेने वाला कोई भी हो सकता है। तो द्विज शब्द के जो अर्थ है वो है ब्राह्मण, पक्षी, दांत, चंद्रमा, द्विजन्मा। फिर है द्वंद्व, द्वंद्व शब्द के अर्थ है कलह, एक समास विशेष या रहस्य और जोड़, यानी कि कलह, द्वंद्व का अर्थ कलह, द्वंद्व का अर्थ है एक समास विशेष जिसमें दो शब्द जब उसको विग्रह करते हैं तो और का प्रयोग होता है, जैसे माता और पिता, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। रहस्य और जोड़, और धन का अर्थ है जोड़, संपत्ति और स्त्री। धनंजय, अर्जुन, आग, वायु और एक वृक्ष विशेष। धर्म शब्द का अर्थ होता है शुभ, कर्म, आचार, स्वभाव,
कर्तव्य, संप्रदाय, व्यवस्था, रीति, न्याय और यज्ञ। धर्म शब्द का प्रयोग इतने अर्थों में प्रयुक्त होता है, यानी कि धर्म शब्द के इतने अर्थ होते हैं। धर्म शब्द का अर्थ जो शुभ कर्म है उसको भी धर्म कहते हैं, जो शुभ कार्य है वह भी धर्म है, शुभ आचार है वह भी धर्म है, स्वभाव है वह भी धर्म है, कर्तव्य है वह भी धर्म है, संप्रदाय है वह भी धर्म। ये अर्थात इतने सारे अर्थ धर्म शब्द के हैं। धातु का जो अर्थ है वीर्य, प्रकृति, व्याकरण के धातु, अष्ट धातु, स्वर्ग। आगे देखिए, ध्रुव स्थिर, ध्रुव का मतलब स्थिर, और ध्रुव तारा विष्णु भक्त, नित्य और विष्णु। नग का है पहाड़, नगीना, वृक्ष, पदार्थ और जड़। पहाड़, नगीना, पदार्थ, वृक्ष और जड़। उसी तरह से नव शब्द का अर्थ है नौ की संख्या या नया। नाग का है सांप, हाथी, वायु का एक भेद। फिर है निर्वाण। निर्वाण के अर्थ है मोक्ष, मृत्यु, संगम, विश्राम और शून्य। निर्वाण शब्द का के कितने अर्थ हैं? मोक्ष, मृत्यु, संगम, विश्राम और शून्य। उसी तरह से निशाचर का है चोर, राक्षस, उल्लू और प्रेत। नीलकंठ का है शंकर, नीले कंठ वाले पक्षी का वाला पक्षी विशेष और मोर। पतंग का अर्थ है सूर्य, गुड्डी, पक्षी, टिड्डी और पतिंगा। पक्ष का अर्थ है पंख, पखवाड़ा, दल, वाद का एक रूप और बल। पट शब्द का अर्थ है वस्त्र, किवाड़, यवनिका, स्थान और मुख्य। उसी तरह से पत्र का है पत्ता, चिट्ठी और पंख। आगे देखिए, पद्म का है कमल, कमल संख्या विशेष, श्रीराम सर्प विशेष। पद का पांव, चिन्ह, स्थान, विभक्ति युक्त शब्द, किसी छंद का चतुर्थांश। पय दूध और पानी, पान पीना, पत्ता या पत्ता और तंबाकू, और पानी का जल, चमक और इज्जत। पिंड शरीर, पितरों के लिए देय, गोल और जीविका। कमल पुष्कर का अर्थ है कमल, पुष्कर नाम का एक तीर्थ स्थान जो कि अजमेर ज़िले में पड़ता है राजस्थान के। तालाब, हाथी की सूंड के आगे का भाग, आकाश और बाण। पुष्कर शब्द के इतने अर्थ होते हैं। आगे देखिए, पृष्ठ, पीठ, पन्ना, पीछे का भाग, और प्रकृति, स्वभाव, धर्म, माया, खजाना, राज्य, जन्म, स्वामी और मित्र। प्रकृति शब्द के इतने अर्थ होते हैं, स्वभाव, धर्म, माया, खजाना, राज्य, जन्म, स्वामी और मित्र। प्रत्यय शब्द का है विश्वास, ज्ञान, शब्द के बाद जुड़ने वाला शब्दांश, निश्चय और कारण। प्रभाव का
प्रभाव शब्द के कितने अर्थ होते हैं देखिए, असर, महिमा, सामर्थ्य और दबाव। उस चीज ने प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया, उसकी महिमा ही ऐसी है, उसका प्रभाव ही ऐसा है, आदि शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। देखिए प्रसव, जन्म, फल और फूल। फिर है प्राण, प्राणवायु, जीव, ईश्वर और ब्रह्मा। और फल में परिणाम, वृक्ष प्राप्त होने वाला खाद्य, चर्म, ढाल, संतान और मेवा। बंसी का अर्थ बांसुरी, मछली, फंसाने की चेष, एक मिनट, फांसने का कांटा, विष्णु कृष्णादि के चरण चिन्ह वे बंसी कहलाते हैं, बंसी शब्द का अर्थ होता है। रस, आनंद, प्रेम, स्वाद, अर्क, तत्व, भोजन के छह रस, काव्य के नौ रस, पारा और मेल, ये रस है। रस शब्द के कितने अर्थ होते हैं, आनंद को भी रस कहते हैं, प्रेम को भी रस कहते हैं, स्वाद को भी रस कहते हैं, अर्क को भी रस कहते हैं, तत्व को भी रस कहते हैं, भोजन के छह रस भी रस कहलाते हैं, काव्य से मिलने वाला आनंद भी रस कहलाता है, पारा भी रस है और मेल भी रस है। आगे चलिए, महावीर शब्द का अर्थ है, हनुमान जी के लिए आता है, शक्तिशाली व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, और जैन तीर्थंकर है भगवान महावीर, उसके लिए प्रयुक्त होता है। मधु, मधु शब्द किस किस के लिए प्रयुक्त है, शहद को भी मधु कहते हैं, शराब को, पराग को, बसंत ऋतु को। उसी प्रकार से मान, अभिमान, इज्जत और नापतोल। फिर देखिए मित्र, दोस्त, मित्र के क्या क्या अर्थ होते हैं, दोस्त, सूर्य, प्रिय और सहभागी, सहयोगी। और लग्न, लो, मुहूर्त, प्रेम और धुन। जैसे लग्न लगना, धुन लगना, धुन सवार होना। लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब निशाना और उद्देश्य। वर, दुल्हा, वरदान, श्रेष्ठ और आशीर्वाद। वर शब्द के चार अर्थ होते हैं। और वर्ग, जाति, गणित की एक क्रिया, समूह। और वर्ण, वर्ण का अर्थ होता है रंग, ब्राह्मण आदि चार वर्ण और अक्षर। वर्ण शब्द का अर्थ होता है रंग, ब्राह्मण आदि चार वर्ण, ब्राह्मण आदि चार वर्ण और अक्षर। फिर आगे देखिए वर्तमान, वर्तमान का है विद्यमान, समय या प्रचलित। और वर्ष, वर्ष का अर्थ है साल, संवत, दृष्टि, पृथ्वी का एक खंड, विग्रह, देवता की मूर्ति, शरीर और लड़ाई। ये विग्रह शब्द के अर्थ हैं। ब्याज, ब्याज का मतलब सूद, बहाना और छल। शकल का शब्द का अर्थ है आकृति, भाग, चिन्ह और छिलका। शिव, शंकर, मंगल और शुभ। आगे देखिए शुद्ध, शुद्ध का अर्थ पवित्र, जिसमें मिलावट ना हो वह भी शुद्ध है और ठीक है वह भी शुद्ध है। शेष, बचा हुआ, अंत, सर्प और सीमा।
उसी तरह से श्री शब्द के अर्थ है शोभा, लक्ष्मी, संपदा, कुमकुम और वाणी। श्रुति, श्रुति का अर्थ है वेद, सुनना, वाद और कान। फिर है सर, सर का मतलब तालाब, सिर और पराजित। सारंग, सारंग के भी बहुत सारे अर्थ हैं। एक राग विशेष को भी सारंग कहते हैं, मोर को भी सारंग कहते हैं, सर्प को भी सारंग कहते हैं, बादल को भी सारंग कहते हैं, हरिण को भी सारंग कहते हैं, पानी को भी सारंग कहते हैं, चातक को भी सारंग कहते हैं, सिंह को भी सारंग कहते हैं, कामदेव को भी सारंग कहते हैं, भोरा को भी सारंग कहते हैं, कमल को सारंग, स्त्री को सारंग, हंस को सारंग, सुंदर को सारंग, कोयल को सारंग, कपूर को सारंग और भी कई सारे अर्थ सारंग के होते हैं। और कतिपय सारंग शब्द हिंदी में वह धनी शब्द है जिसके सबसे ज़्यादा अर्थ होते हैं, बहुत ज़्यादा अर्थ होते हैं सारंग के। फिर देखें सैंधव, एक घोड़ा, एक प्रकार के नमक का प्रकार, हंस, मराल, सूर्य, जीवात्मा, घोड़ा, योगी, सफेद। और न हरकत, हरकत चेष्टा, नटखटपन और गति। फिर हरि, हरि शब्द का अर्थ है विष्णु, बंदर, सिंह, सूर्य, यमराज, किरण, पर्वत, वायु, कोयला, सर्प, मेंढक, घोड़ा और चंद्रमा। और यह हस्ती, हाथी और अस्तित्व, हाथी और अस्तित्व। फिर है हल्दर, बलराम, किसान और बैल। हल्दर शब्द के तीन अर्थ होते हैं, बलराम, किसान और बैल। हीन के दीन, निकृष्ट और रहित। तो इस तरह से हमने हमारी चर्चा में हिंदी के अधिकतर उन शब्दों को समेट लिया है या समेटने की कोशिश की है जिनके कई सारे अर्थ होते हैं या जो शब्द अनेकार्थी होते हैं उनको हमने यहाँ पर आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आप याद करें और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।